Assalamu alaikum everyone, this is Majid Shahab and welcome back to my new Android lecture. और इस lecture में आज हम लोग देखने लगे हैं Android में intent की types क्या क्या हैं. So I quickly start करते हैं और जल्दी से लिखते हैं Android की intents की types. So two types हैं, पहली वाली है, पहली या दूसरी कुछ भी कह लें, एक है explicit और second है implicit. So ये दो types हैं, इन दोनों के साथ आज हम लोग दो दो हाथ करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है. दोनों के साथ तो नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये ज़रा बड़े टॉपिक हैं, तो पहले एक ही को पकड़ लेते हैं और इसी को सेट कर देते हैं कि ये हमें तंग ना करें. एक्सप्लिसिट, आए आपको अपने तरीके से समझाता हूँ. लेट सपोज ये है हमारी एक एप्लीकेशन और इसका नाम है माई ऐप, कोई भी नाम हो सकता है इसका. और इस माई ऐप के अंदर एक्चुअली में एक एक्टिविटी नहीं बल्कि दो एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, आप बस समझे कि फिलहाल ये बड़ी सी जो है ब्लैक वाली ये हमारी एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने एंड्रॉयड में बनाई है. और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक स्क्रीन है या एक एक्टिविटी है, आप स्क्रीन कह लें एक्टिविटी कह लें. उस एक्टिविटी का नाम है, क्या नाम होगा इसका, ए फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका नाम है ए. ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है. और दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है उसका नाम है बी. ठीक है, सो ये दो हमारी स्क्रीन्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं एक ही बड़ी एप्लीकेशन के अंदर. नाउ हम क्या चाहते हैं कि हम इस एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में चले जाएं, ये हमारा टास्क, सॉरी इस एप्लीकेशन इस एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी में चले जाएं, ये हमारा टास्क है. ठीक है, जैसे जावा में आप लोग डिफरेंट फ्रेम्स बनाते थे, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे चले जाते थे, एक विंडो से दूसरी विंडो पे चले जाना, या वेबसाइट्स की बात करते हैं तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं. ठीक है, सो इस तरह की कुछ सिचुएशन है कि मैं अपनी एक ही एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं और मैं एक एक्टिविटी से निकलकर दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाह रहा हूँ. तो ये है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट, एक्सप्लिसिट. अब ये क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे मेन एक पॉइंट है वो ये है कि मैं जिस एक्टिविटी पे हूँ, दैट इज़ एक्टिविटी ए, मुझे पता है कि मैं किस एक्टिविटी पर जाना चाहता हूँ, उसका नाम मुझे पता है. ठीक है, दोबारा से देखें, मैं एक्टिविटी ए पे हूँ और मुझे पता है कि मैं एक्टिविटी बी पर या किसी और एक्टिविटी पर जाना चाहता हूँ और मुझे उसका नाम भी पता है. बस ये है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट. ठीक है, इम्प्लिसिट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूँ. इम्प्लिसिट इंटेंट्स वो इंटेंट्स होते हैं जिसमें हम एक जगह पर खड़े हुए और हमने कुछ काम कराना है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो काम कौन करेगा, हमें उस चीज़ का नाम नहीं पता कि ये कौन कर सकता है. देखिए इम्प्लिसिट में तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, इस जगह का नाम भी मुझे आता है, अगर नाम का पता है तो ये एक्सप्लिसिट है. अब मैं दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ इम्प्लिसिट की, मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस जगह पे जाके वो काम हो सकता है जो मैं चाह रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई वेब पेज देखना चाह रहा हूँ, मैं गूगल प्ले स्टोर पर जाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जाना तो उधर चाह रहा हूँ लेकिन कौन सी एक्टिविटी ये काम परफॉर्म कर सकती है, ये इम्प्लिसिट है. ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दूंगा, अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट के ऊपर. तो थोड़ा सा कोड पे बात करते हैं, ठीक है, कि कोड कैसे होगा. ओके, कोड की बात करते हैं तो आपके पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है इंटेंट क्लास. ये सारे मसले मसाइल हैंडल करेगी आपके इधर उधर जाने के लिए एंड्रॉयड में. सो इंटेंट क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं आप लोग. चलिए इसको कुछ और नाम रख लेते हैं, इंटेंट आई कर लेते हैं. और मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू इंटेंट. सो ये कुछ मैंने कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड यहीं पे लिखा है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये है कोड. ठीक है, और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है, इंटेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंटेंट कर दिया. और मैंने ये क्यों किया है कोड में, क्योंकि मैं एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे जाना चाहूँगा. ओके, अब एक मसला है, मसला ये है कि एंड्रॉयड कहेगा कि आपने कहाँ जाना है, उस जगह का नाम पता है जिधर जाना है. ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि तुमने एक बंदा बुला तो लिया है आई, उस बंदे का नाम है, और आप जाना चाहते हैं फ्रॉम ए टू विच लोकेशन, उसका नाम क्या है. तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे जाना है बी पे. ठीक है, मुझे जाना है बी पर. एंड्रॉयड कहेगा कि तुमने बी पर तो जाना है लेकिन तुम जिस बंदे को भेज रहे हो, ये आई जो बंदा है, मैं एक्चुअली इसको डायग्राम के थ्रू बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए है और बी है. ठीक है, और हमारे पास एक हमारा हीरो है, हीरो का है हमारा, देख लेते हैं, हमारा हीरो ये है, ये ए है, इससे हमने जाना है बी पर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक
लाइन डाल देता हूँ कि आपको पता लगे कि मैंने यहाँ जाना है। ओके जी, हमने यहाँ जाना है। तो हमारा हीरो आ गया। हीरो कहता है कि जी ठीक है जी, मैं इस रास्ते पे चलता हुआ ए से बी पर चला जाऊँगा। ठीक है, अब कोर्ट को देखें। चाहे मैंने वहाँ पे कहाँ जाना है, बी पर। आप देखें मैंने यहाँ पे कोर्ट पे बी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। आई कौन है? आई ये बंदा है, उसका नाम है आई, आप कोई भी नाम रख लें। ये वो एक्चुअल बंदा है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला है। आई तो ये बंदा है। ये पूछा मैंने कहाँ जाना है, वो मैंने लिख दिया बी। ठीक है, बी। तो कहता है ठीक है मैं बी पर जाऊँगा, लेकिन मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, मैं किस जगह से चलता हुआ जाऊँगा, वो कौन सी जगह है जहाँ से मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। आप देखें यहाँ से चल के जा रहा है। इसको हम लोग एंड्रॉयड में बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट, इसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट। और आप इसका कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे सी है, बी है, जो भी है। बात थोड़ी मुश्किल हो गई है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं आसान करता हूँ। आई है ना, इसने जाना है यहाँ से यहाँ पर। तो आई को मैंने बता दिया कि तुमने बी पर तो जाना है। आई कह रहा है ठीक है मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, चलना कहाँ से है। तो वो तो अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है, देखें ए के पास है ना। तो बस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ये ए, आपका करंट सिनारियो क्या है। आप अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह पे लिख दें सिंपल दिस। दिस का मतलब होता है करंट एक्टिविटी पे मैं हूँ और यहाँ से मैंने चल के जाना है वहाँ पे, इस जगह पे। तो ये है हमारा कोड। फिलहाल एक लाइन तो मैंने लिख दी कि इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर जाना है। थोड़ा बी को करीब ले जाते हैं इसके। कहाँ पर जाना है आपने, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा जी, ये तो सिर्फ मैंने इसको कहा है कि तुमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ पर जाना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक्चुअल कोड आएगा वो होगा कि अब स्टार्ट कर दो इस मसले का साइड को। आई तुम स्टार्ट हो जाओ, ये एक मेथड है। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि अब चलो। अब वो चलता हुआ यहाँ से आस्ता आस्ता जाता हुआ इसका नाम आई है। अच्छा देखें, मैं यहाँ आई लिखा हुआ है। स्टार्ट एक्टिविटी मतलब कि चल पड़ो, तुम जाओ और यहाँ पर चले जाओ, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग इस कोड को हैंडल करते हैं एंड्रॉयड में इंटेंट के। और ये भी एक्सप्लिसिट की बात हो रही है क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करता, आपको बोर नहीं करता। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, अगर ना हो तो तब भी वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।